नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी का आखिरी अल्ट्रासाउंड आपको कब करवाना चाहिए, इसके अलावा आपको क्यों करवाना चाहिए, और हम ये भी जानेंगे कि जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं ना तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर जो हैं आपका 3 अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कुछ 2 करवाते हैं, कुछ 4 करवाते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे कुल 4 अल्ट्रासाउंड हुए थे और मेरा आखिरी अल्ट्रासाउंड समथिंग 38 वीक में हुआ था। लेकिन यदि आपके डॉक्टर आपका केवल 3 अल्ट्रासाउंड करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि मैं प्रेगनेंसी के 8वें या फिर 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाऊँ, तो आप कब करवा सकते हैं? या तो आप 8वें महीने के लास्ट में करवा लीजिए, मतलब कि जब आपका 8वां महीना खत्म होने वाला होता है ना, आप उस टाइम करवा सकते हैं, या फिर आप 9वें महीने के स्टार्टिंग में करवा सकते हैं। इससे भी आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि आपका बच्चा कैसा है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के कितने चांसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो देखिए, आखिरी अल्ट्रासाउंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। पहला तो ये कि आपके बच्चे का पोजीशन पता चलता है कि आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में तो नहीं है, आपका बच्चा उल्टा तो नहीं है, तिरछा तो नहीं है, या फिर आपका बच्चा नॉर्मल पोजीशन में है, डिलीवरी वाली पोजीशन में है, मतलब ये कि सेफेलिक पोजीशन में है। अगर आपके बच्चे का सर नीचे है तो मतलब ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल सही पोजीशन में है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहला ये पता चल जाता है। दूसरा ये कि बच्चे के गले में गर्भनाल तो नहीं है, क्योंकि यदि बच्चे के गले में गर्भनाल है और वो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है तो कई बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो डॉक्टर वो भी देखते हैं। इसके अलावा आपके बच्चे का विकास देखा जाता है कि आपके बच्चे का विकास कैसा है, आपके बच्चे का वजन कितना है, आपके बच्चे के अंदरूनी अंग का विकास कैसा हो रहा है, आपके बच्चे के बाहरी अंगों का विकास कैसा हो रहा है, मतलब कि पूरे बॉडी का जो है विकास किस प्रकार से हो रहा है। इसके अलावा आपके बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है, आपके बच्चे की दिल की धड़कन देखी जाती है कि वो किस प्रकार से काम कर रही है, कहीं आपके बच्चे की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या फिर बहुत कम तो नहीं है, या फिर बेबी का जो हार्ट बीट है बिल्कुल सही है, ये भी देखा जाता है। क्योंकि यदि आपके बच्चे का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर बहुत कम है, तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर कई बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, तो ये भी देखा जाता है। इसके अलावा आपके बच्चे की लंबाई देखी जाती है कि आपके बच्चे की लंबाई कितनी है, वजन देखा जाता है। अगर कम वजन होता है तो फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि वजन कम है, अच्छे से खाओ पियो, क्योंकि अगर कम वजन रहेगा तो भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा वजन हो जाता है तो भी दिक्कत आती है, तो आपको ये भी पता चल जाता है। इसके अलावा आपके एमनिटी फ्लूइड में, यानी कि पानी के थैली में पानी की मात्रा कितनी है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, कम होना भी ठीक नहीं है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है। इसके अलावा जब आप आखिरी अल्ट्रासाउंड करवाते हो ना, तो अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आपको डिलीवरी का ड्यू डेट दिया जाता है, यानी कि आपका बेबी कब तक डिलीवर हो जाएगा वो अंदाज़ा लगा के आपको एक ड्यू डेट दे देते हैं। इसके अलावा आपके प्लेसेंटा की स्थिति के बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि प्लेसेंटा की स्थिति कैसी है। इसके अलावा आपका सर्वेक्स भी देखा जाता है कि सर्वेक्स खुलना स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं, यह आपको अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। इस वजह से अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका बच्चा कैसा है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के कितने चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आखिरी अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर करवाइए, प्रेगनेंसी के 8वें महीने के लास्ट में करा लीजिए या फिर 9वें महीने के स्टार्टिंग में करा लीजिए, और यदि आप अपने डॉक्टर के हिसाब से चल रही हैं तो वो आपका जब भी करवाएं आप तब करवा सकती हैं। अब आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो कि आपको अल्ट्रासाउंड में काम आएगा। पहला तो ये कि बहुत सारे अल्ट्रासाउंड जो होते हैं खाली पेट होते हैं, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से पहले पूछ लीजिए कि खाली पेट जाना है या फिर पेट भर के जाना है। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड से पहले यदि बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं ना, तो ये आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो इससे आपका मूत्राशय काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, मूत्राशय पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और मूत्राशय भरे रहने से आपको अजीब सा लग सकता है, अनकम्फर्टेबल महसूस हो सकता है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे आपका गर्भाशय ऊपर की तरफ खिसकता है, तो डॉक्टर बहुत ही अच्छे से आपका स्कैन कर पाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके सर्वेक्स का पूरा पता चल पाए कि वो कितना खुला है, किस तरीके से खुला है या फिर खुला भी नहीं है, तो इसके लिए आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट टिप है वो ये कि आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं आप ढीले ढाले कपड़े पहन के जाइए, क्योंकि ढीले ढाले कपड़े पहनने से आपको ही कम्फर्टेबल महसूस होगा, आप बहुत ही आसानी से अपना अल्ट्रासाउंड करवा पाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट आता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अल्ट्रासाउंड करवा पाएँ, तो दोस्तों देखिए, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप सरकारी में जाके करा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे रेट पे या फिर बहुत कम रेट पे आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है, तो आप वहाँ पे भी करवा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी का आखिरी अल्ट्रासाउंड आपको ज़रूर करवाना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे एक अल्ट्रासाउंड ये है जो कि 31 वीक में हुआ था, एंड लास्ट का अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा 38वें सप्ताह में,
इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने आपको बताया है कि मेरे सर्वेक्स का जो लेंथ है उसके बारे में पता नहीं चल पाया था, क्योंकि मेरा जो मूत्राशय था बिल्कुल खाली था इस वजह से। इसलिए पानी पी के ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि आपको आखिरी अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।